आप देख रहे हैं बात पे बात, मैं चंदन सिंह आपके साथ। स्टूडेंट की समस्या को जिस तरीके से सरकार नजरअंदाज कर रही है, इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार के बुरे दिन चालू हो गए हैं, क्योंकि सरकार जिस तरीके से स्टूडेंट के सारे मुद्दों को दबाते जा रही है। अभी अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आए हैं। आपको बता दूं मैं कि 11 राज्यों के कई स्टूडेंट ने सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल किया था कि नीट और JEE के एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 5 मिनट भी दलील नहीं सुनी और 5 मिनट के अंदर इतनी बड़ी डिसीजन दे दी कि एग्ज़ाम जो है लिया जाएगा। सरकार के तरफ से पेश हुए वकील की दलील थी कि स्टूडेंट के एग्ज़ाम लिए जाएंगे और साथ में उनकी सोशल डिस्टेंसिंग और उनकी सुरक्षा का ख्याल रखा जाएगा। सरकार ने ये दलील दी। अभी मैं आपको बता दूं कि अभी अभी जस्ट कुछ दिन पहले केरला में एग्ज़ाम हुए, UP में BEd के एग्ज़ाम हुए, BHU में एग्ज़ाम हुए। आप सारे एग्ज़ाम के फोटोज और वीडियोज आप देख चुके हैं और आपको ये भी पता है कि उनकी जो स्थिति क्या थी, सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे कुछ भी नहीं था। सरकार ने पूरी तरीके से मजाक बनाया था। उस समय एग्ज़ाम में कई स्टूडेंट अभी तक कोरोना पॉजिटिव हो चुके होंगे। उन सारे स्टूडेंट की तरह ही आज जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है वो बिल्कुल ही सही नहीं है, एक तरीके से गलत डिसीजन है, क्योंकि स्टूडेंट्स की जो समस्या है, स्टूडेंट्स की जो कोरोना से जो समस्या है, उसको सरकार और उसको कोर्ट बिल्कुल नहीं देख रही है, क्योंकि लगातार स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार स्टूडेंट्स आवाज़ उठा रहे हैं। वॉइस ऑफ यूथ ऑर्गेनाइजेशन NSUI, कई ऐसे स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने आवाज़ उठाए, लेकिन सरकार किसी भी तरीके से किसी भी साइड से जो है बातों को नहीं सुन रही है। दूसरी चीज़ आपको मैं चीज़ क्लियर कर दूँ आज कि आज इस प्रोग्राम में बात पे विवाद में आज कोई डिबेट नहीं होगा, क्योंकि मामला स्टूडेंट्स का है, छात्रों का है, इसलिए राजनीति कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मुद्दे के ऊपर कोई राजनीति नहीं। सबसे बड़ी चीज़ जो आपको मैं बता दूं, अभी अपडेट जो कोरोना की जो चल रही है, इस फुटेज को देखिए और आपको खुद समझ में आएगा कि आज कोरोना की जो है हिसाब किताब क्या है भारत में, और इस हिसाब किताब के अंदर में भारत सरकार ने, कोर्ट ने जो है एग्ज़ाम लेने के लिए JEE और NEET के एग्ज़ाम के लिए आखिर ये फरमान क्यों जारी किया, देखिए गई है। आपको बता दें कल कोरोना से 941 लोगों की जान गई थी। इस तरह कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 50,921 तक पहुंच गया है। कल कोरोना के 57,982 केस सामने आए। इस तरह अब तक कोरोना केस की संख्या 26 लाख के पार पहुंच चुकी है। कुल मामले 26,47,664 है देश भर में। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 19,19,843 है, जबकि मौत का आंकड़ा 50,921 है। चौबीस घंटे का अपडेट आपको दे दें, 57,982 मरीज जुड़े हैं। कुल मामलों में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 57,584 है, जबकि मौत का आंकड़ा 941। सरकार लगातार झूठ पे झूठ बोलती है। प्रधानमंत्री जी से कोरोना तो संभला नहीं, साथ में आप ये देख रहे हैं कि कितना लगातार जो है कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, और इस बढ़ोतरी के बीच में भी सरकार जो है एग्जाम के ऊपर अड़ी हुई है। UGC का गाइडलाइन जो उन्होंने जारी किया है कि 30 सितंबर से पहले सारी यूनिवर्सिटी को जो है एग्ज़ाम ले लेने हैं फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के, इस तरीके की फरमान क्यों जारी की जा रही है, जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जब स्टूडेंट बोल रहे हैं कि वो एग्ज़ाम को डेट को आगे बढ़ाया जाए, जब तक कोरोना सही तरीके से ना हो तब तक आखिर एग्ज़ाम लेने की इतनी जल्दी क्यों है। प्रधानमंत्री जी से मैं एक सीधा सवाल पूछना चाहूँगा कि देश में आप खुद के संसद को तो बचा नहीं सके, संसद आप खोले नहीं हैं, आपने कोर्ट खोला नहीं है, और आप जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग कर रहे हैं, और स्टूडेंट्स को आप डायरेक्ट सेंटर पर जाने के लिए जो है परेशान कर रहे हैं, उनको फोर्स कर रहे हैं। इस तरीके की एक प्रॉब्लम जो है पहले खुद पे लागू कीजिए, इसके बाद स्टूडेंट के ऊपर लागू होना चाहिए ये चीज़ें, क्योंकि स्टूडेंट्स भी एक इंसान है। अगर हर एक नेता को, हर एक सिविलियंस की जान की जो है एक कीमत होती है, स्टूडेंट्स की भी जान की एक कीमत है, उस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टूडेंट्स अभी उस
स्थिति में नहीं है कि एग्जाम सेंटर पर जाएं और जाकर एग्जाम दें, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स के अंदर डर है। वो सारे स्टूडेंट्स जो अभी 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 12th पास किए हैं, वो सारे स्टूडेंट्स के अंदर अभी डर है कि कोरोना उनको ना हो जाए, उनके परिवार को ना हो जाए। इस चीज़ के ऊपर गौर करना चाहिए। सबसे पहले मैं कुछ फ्यूज मीडिया की तरफ, अब मैं फ्यूज मीडिया बोलूँगा, गोदी मीडिया नहीं, फ्यूज मीडिया को मैं ये कहना चाहूँगा। अभी अभी कुछ दिन पहले एक सम्मानित एंकर ने जो है ये बातें रखी कि स्टूडेंट्स को जो है एग्ज़ाम देना चाहिए, और कोर्ट ने बोल दिया है कि एग्ज़ाम देना है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो ज़रूरी है, इससे आपका एक साल बर्बाद हो जाएगा, ऐसा जो है उन्होंने कहा। इस तरीके की स्टेटमेंट उन्होंने दी। स्टूडेंट्स की समस्या को वो नहीं देख रहे हैं, लेकिन सरकार की जो चीज़ें हैं उसको ज़रूर लागू कराने के काम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी बातों को कन्वे कर रहे हैं। लेकिन मैं एक सवाल उनसे पूछना चाहूँगा, नाम न लेते हुए, आखिर आपने ये सरकार से क्यों नहीं पूछा कि सरकार, आखिर आप ये सवाल क्यों नहीं उठाते हैं कि सरकार कोरोना में फेल क्यों हो रही है, सरकार के लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते क्यों जा रहे हैं, आखिर कोरोना की जो कहीं भी जो है तरीके से लगाम नहीं दिख रही है सरकार पे, सरकार जो है कहीं भी हर तरीके से फेलुअर हो रही है, ये क्यों नहीं पूछ रहे हैं आप? सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ है, ये क्यों नहीं पूछ रहे हैं आप? स्टूडेंट्स की समस्या के ऊपर आपने तुरंत बोल दिया, लेकिन क्या आपने ये सोचा कि उस स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम है, उस स्टूडेंट की जो घर की जो स्थिति होगी, उस स्टूडेंट के साथ कई ऐसे स्टूडेंट हैं। आपको मैं बता दूँ, हमने पिछले प्रोग्राम भी किया था बाढ़ के ऊपर, जिसमें मैंने बताया था कि आखिर आसाम के क्षेत्र में, बिहार के क्षेत्र में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे लोग बाढ़ों में जो है फंसे हुए हैं, उनके पास जो है आने जाने की स्थिति में नहीं है, वो उनके पास रहने के लिए स्थिति नहीं है। वैसे स्टूडेंट जो कोटा, दिल्ली और कई शहरों से जो है घर लौट गए हैं, वो स्टूडेंट एग्ज़ाम देने के लिए एग्ज़ाम सेंटर पर कैसे आएंगे, ये एक सवाल है। और ये सवाल के ऊपर जो है बातें रखनी चाहिए, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आखिर आपने एक फरमान जारी कर दिया कि आपको एग्ज़ाम देना है, वो स्टूडेंट वहाँ से कैसे आएंगे, सबसे बड़ी समस्या ये है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स की जो आर्थिक समस्या है, स्टूडेंट्स के परिवार के साथ एक आर्थिक समस्या है, वो कैसे फुलफिल होगा? ट्रेन पैसेंजर ट्रेन चल नहीं रहे हैं, जो भी ट्रेन चल रहे हैं एक्सप्रेस ट्रेन चल रहे हैं, पैसेंजर नहीं चल रहे हैं, बसेस नहीं चल रही है, कई ऐसे स्टेट में कई ऐसे इलाके हैं जो पूरी तरीके से सील हैं, कई ऐसे राज्य हैं जो साप्ताहिक छुट्टी करते हैं, कोई ऐसी है जो वीकली छुट्टी करता है, कोई है कि पूरी तरीके से बंद है। तो इस तरीके से जो इलाके में लोग रह रहे हैं, वो कैसे, लाखों स्टूडेंट जो है कैसे आएंगे एग्ज़ाम दे सेंटर पे एग्ज़ाम देने के लिए, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो सरकार समझ नहीं रही है, सरकार देख नहीं रही है। कोई भी स्टूडेंट नहीं चाहता है कि उसका साल बर्बाद हो, कोई भी स्टूडेंट नहीं चाहता है कि उसका एक साल बर्बाद हो जाए और वो घर पर बैठा रह जाए। स्टूडेंट चाहते हैं कि कम से कम उनकी जान की सुरक्षा होती रहे, उनकी जान भी बची रहे, उनकी परिवार भी बचे रहें, और साथ में वो अपनी पढ़ाई लिखाई भी कर सके। सरकार की फेलियर इस चीज़ से दिखती है कि कई ऐसे यूनिवर्सिटी है, कई ऐसे कॉलेज है जहाँ ऑनलाइन क्लासेस तक नहीं हो रही है, बिना पढ़ाई के एग्ज़ाम देने की बात कर रही है। सरकार और कोर्ट ने कहा कि एग्ज़ाम, और UGC ने कहा, एक स्टेटमेंट आया UGC का कि आप एग्ज़ाम नहीं देंगे तो आपको डिग्री नहीं देंगे। स्टूडेंट की तरफ से भी ये आवाज़ उठनी चाहिए, और उठी भी है, कि आपने पढ़ाया नहीं तो हम एग्ज़ाम कैसे देंगे। सबसे बड़ी चीज़ है, जब आपने पढ़ाया ही नहीं स्टूडेंट्स को, जब आपने क्लासेज ही नहीं चलाएं, कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटी बंद, फिर भी एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं, तो ये चीज़ें तो बहुत गलत बात है। जब कॉलेज ही बंद है, जब यूनिवर्सिटी भी आपने खोली नहीं है इतने दिनों से, जब आपने ये सब चीज़ों को बंद रखा, तो फिर आप एग्ज़ाम किस तरीके से ले रहे हैं? स्टूडेंट्स के ऊपर ये एक तरीके से बर्डन दिया जा रहा है, उन्हें प्रेशराइज किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद कई ऐसे वीडियोज़ वायरल हुए जिसमें स्टूडेंट जो है सुसाइड करने की बात कर रहे हैं। तमिलनाडु में एक 19 साल की लड़की ने सुसाइड भी कर लिया। आखिर उस सुसाइड का जिम्मेवार कौन है? इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा, सुप्रीम कोर्ट या सरकार? दूसरी चीज मैं और बात कहना चाहूँगा, जो स्टूडेंट्स जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वॉइस ऑफ यूथ हो या NSUI हो, जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स की बातें को रखी जा रही है, सरकार आखिर उस चीज़ को नज़रअंदाज क्यों कर रही है? जब तक सरकार के दिमाग में ये बात नहीं आएगी कि आखिर स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम क्या है, स्टूडेंट्स परीक्षा कैसे देंगे, तब तक जनता का भला नहीं हो पाएगा।
दूसरी चीज़ है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पास भी कई तरीके की कंप्लेंट आए गाज़ियाबाद से, गाज़ियाबाद के मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ग्रेटर नोएडा से लॉ कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज से, मेरठ से, ऐसे कई ऐसे पटना से हमारे पास कंप्लेंट आए जिसमें स्टूडेंट्स एक सबसे मुख्य प्रॉब्लम की बात कर रहे थे, वो था फी के ऊपर। स्टूडेंट्स को प्रेशराइज किया जा रहा है, स्टूडेंट्स के कॉलेज जो है प्रेशराइज कर रहे हैं स्टूडेंट को फी पे करने के लिए। आखिर सरकार इसके ऊपर नज़र क्यों नहीं डाल रही है, ये सीधा मेरा सवाल है केंद्र सरकार और राज्य सरकार से। स्टूडेंट्स जितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं, कितनी सारी जो ये कॉलेजेस हैं जो हमारे पास अभी तक प्रूफ जो हमारे पास है, इसमें कई ऐसे जो है कॉलेज जो है प्रेशराइज कर रहे हैं स्टूडेंट्स को कि आप फी दो, फी नहीं दोगे तो आगे इनरोलमेंट नहीं होगा, एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा, क्लास आपको आगे नहीं पढ़ाया जाएगा। आखिर इस तरीके की धमकियां, इस तरीके की जो बातें रखी जा रही हैं स्टूडेंट्स को, दिखाई जा रही है कि उन्हें जो है प्रेशराइज किया जा रहा है। एक तो आर्थिक समस्या है उनके साथ, पारिवारिक समस्या है, कोरोना के काल में उनके ऊपर फी के लिए जो है बर्डन दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी सवाल जो मैं सरकार से करना चाहूँगा कि सरकार ने इतनी सारी नियम लगाए, इतनी सारी अभी न्यू शिक्षा नीति भी लाई, लेकिन सरकार ने ये कहीं नहीं स्टेटमेंट दिया कि आज जो है फी की प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स को, आज जो फी नहीं दे पा रहे हैं उनके लिए कम से कम छूट दिया जाए, उनकी फ़ी को माफ़ किया जाए। सरकार ने इस तरीके का कोई भी जो है हिसाब किताब नहीं लगाया। आखिर ये सरकार जो है छात्र के खिलाफ काम क्यों कर रही है? वही छात्र जो देश की तरक्की बढ़ाना चाहते हैं, देश की फ्यूचर हैं, उन्हीं छात्रों को जो है उनके ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? ये एक सबसे बड़ी समस्या है जिसके ऊपर कई सारे आवाज़ जो है उठाए गए हैं। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि सारे स्टूडेंट्स से कि आप सभी लोग सरकार का विरोध जरूर करें, सरकार का विरोध इस नीति के ऊपर विरोध करें जो एग्ज़ाम लिया जा रहा है, क्योंकि इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन करना ही एक सही है। क्योंकि कई ऐसे एग्ज़ाम अभी हुए हैं, दो तीन एग्ज़ाम हुए हैं जिसमें यह साफ साफ दिखता है कि स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स के साथ कितनी सरकार ने मेंटेन की। सबसे पहली चीज़ तो गृह मंत्री जो है सुरक्षित नहीं रह पाए कोरोना से, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी सुरक्षित नहीं रह पाए कोरोना से, तो आप स्टूडेंट को सुरक्षित रहने की जो है बातें आप ज्ञान दे रहे हैं, स्टूडेंट जो है बचे रहेंगे इसकी क्या गारंटी है? आप एक लिखित में जो है जारी कर दीजिए पूरे देश में, जैसा कि कोर्ट में जो है सरकार के वकील ने ये बताया कि उन्होंने पूरी तरीके से तैयारी करके रखी हुई है। उनकी तैयारी क्या है वो तो सामने लिखी है अभी BHU और UP के एग्ज़ाम BED में, लेकिन अगर वो आगे और अच्छा तैयारी करके रखे हैं तो उनसे एक अपील है कि कम से कम जो आपने तैयारी करके रखे हैं उसके गाइडलाइंस और एक अप्रूवल जो है लिख के आप पब्लिश करें, ताकि ये लिखित रूप में कोर्ट में रहे कि हाँ आप जो है कोई भी पर्सन अगर कोरोना से, स्टूडेंट अगर कोरोना से ग्रसित होता है एग्ज़ाम देते समय तो उसकी जिम्मेवार पूरी तरीके से सरकार होगी, उसकी जिम्मेवारी उनको लेनी पड़ेगी। रूमिंग हमारे देश के एक सम्मानित एंकर, नाम ले लेना चाहूँगा, उनका जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम में वो सवाल करते हैं, उनका है प्रोग्राम ये सवाल के ऊपर। तो मैं यही बोलता हूँ कि क्या जब पूछता है भारत तो क्या स्टूडेंट की प्रॉब्लम नहीं पूछता है भारत? क्या स्टूडेंट भारत के नागरिक नहीं है? क्या उनका प्रॉब्लम स्टूडेंट प्रॉब्लम नहीं है? तो पूछता है भारत तो सरकार जो है, सरकार से पूछता है भारत तो स्टूडेंट की आवाज़ को भी पूछता है भारत, स्टूडेंट की समस्या को भी पूछता है भारत। तो इसके ऊपर क्यों नहीं आवाज़ उठाई जा रही है? मीडिया जो है इसके ऊपर क्यों नहीं जो है अपनी चीज़ों को सामने ला रही है? क्या इसमें कोई दिक्कत है? क्योंकि स्टूडेंट के साथ तो प्रॉब्लम दिख रही है, स्टूडेंट्स बाढ़ से पीड़ित हैं, स्टूडेंट जो है आर्थिक समस्या से पीड़ित हैं, तो उन स्टूडेंट्स के साथ जो समस्या हो रही है उस चीज़ के ऊपर क्यों नहीं जो है सरकार और ये मीडिया जो है उस चीज़ के ऊपर क्यों नहीं अपनी बातों को रख रही है? अब मैं आपके सामने कुछ स्टूडेंट्स की प्रतिक्रिया को रखना चाहूँगा और सरकार से अपील भी करना चाहूँगा। देखिए, myself a neat aspirant putting the concern of students in front of all the authorities, ministers and government who are managing our exams, and also to those parents association who are demanding for not holding the exams in September. Firstly, I would like to ask
all the ministers and government that if SOPs are that much effective, then why still ministers are conducting virtual meetings instead of real meetings? Secondly, will government take responsibility to pay students for traveling from their hometown to the exam centers as no trains are running and not every student is capable of paying the cab rents? Thirdly, will those parents' association make arrangements for students to stay in the exam city a day before exam? Fourthly, will the ministers themselves be available there outside the centers to check whether the SOPs are being followed or not? Fifthly, will those parents come to sanitize each and every gate of exam center, classrooms and washrooms after entering and exiting of a child? And what about the students who got infected just few days before the exam? Will government take their papers after the separately? After their recovery? No, that's not possible. सभी students से मेरा एक अनुरोध है कि आप सभी लोग जो है इस सरकार की नीति को समझिए, चाहे कोई भी सरकार हो, फिलहाल में जिस भी स्टेट की सरकार हो, एक नीति है इनकी कि जब तक इनकी कुर्सी नहीं हिलती है तब तक ये बातें नहीं सुनते हैं। वोट तभी कीजिए जब तक ये सरकार जो है आपकी बातें सुने। स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सुनेगी जो सरकार, उसी को वोट कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स के ऊपर आज इतनी समस्याएं हैं कोरोना के वजह से, पूरे देश ग्रसित है, तो ये एग्ज़ाम लेने की बात कर रहे हैं, ये एग्ज़ाम लेने की आवश्यक कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि एग्ज़ाम मत लीजिए, हम ये कहते हैं कि एग्ज़ाम लीजिए, लेकिन डेट को आगे बढ़ाइए। डेट को आगे बढ़ाया जाएगा जब तक कोरोना कंट्रोल में आ जाएगा, इसके बाद जो है एग्ज़ाम लीजिए, ताकि कोरोना से ना स्टूडेंट इफेक्ट हो और ना ही उसके परिवार वाले इफेक्ट हो। क्योंकि जहाँ भी एग्ज़ाम होगा वहाँ पे मिनिमम से मिनिमम 1000 स्टूडेंट होंगे, और उस 1000 स्टूडेंट्स जो है कई सरकारी विद्यालय में एग्ज़ाम देने जाएंगे, और उन सरकारी विद्यालयों में, यूनिवर्सिटियों में उतनी व्यवस्था नहीं है, ये आप सभी जानते हैं। और हाई क्लास जो एजुकेशन सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे तो व्यवस्था है, वो तो हो सकता है मे भी संभाल भी रहे उन चीज़ों को, लेकिन सरकारी तंत्र के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उनकी स्थिति तो सही नहीं है। और कितनी भी अगर आपकी ये नीति दिखती कि आप कोरोना में स्टूडेंट्स का प्रोटेक्शन कर रहे हैं, उनका ख्याल रख रहे हैं, तो आप ये BED एग्ज़ाम, UP एग्ज़ाम और कई सारे जो अभी एग्ज़ाम हुए हैं, उन सारे एग्ज़ाम में आप ज़रूर ख्याल रखते सारे स्टूडेंट्स का, और उससे ये पता चलता कि सारे स्टूडेंट्स के बीच में जो है आगे एग्ज़ाम वो देते, और तभी स्टूडेंट के अंदर हिम्मत भी आती एग्ज़ाम देने की। स्थिति वैसी नहीं है जिस तरीके की आप समझ रहे हैं, जिस तरीके की आप ये फरमान, तुगलकी फरमान जो जारी कर रहे हैं, ये फरमान बिल्कुल ही गलत है, स्टूडेंट्स के खिलाफ है, और स्टूडेंट्स की समस्या जो फी के ऊपर है उसको भी सरकार देखे, ताकि स्टूडेंट के ऊपर आर्थिक समस्या न पड़े। धन्यवाद, ऐसे ही जुड़े रहिए युवा की आवाज़ संस्था के साथ। जय हिंद, जय भारत।